राम प्रणाम। मैं स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल सुनीता उपाध्याय ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग में यूं ही बने रहें। तो चलिए, मैं आ तो गई हूँ प्रयागराज पर, आपको दिखाती हूँ मेरी बिटिया रानी ने मुझे सोया चॉप की सब्जी बनाना कैसे बताया, और बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी। मेरी बड़ी बिटिया ने बताया था कि किस तरीके से बनाते हैं, तो मैंने उनसे सीखा। तो चलिए देखिए कैसे कैसे उसमें क्या क्या लगा है बनाए हैं, फिर एंजॉय करिए सोया चॉप की सब्जी। सोया चाप है ना, सोया के पाउडर से बना हुआ पनीर की जगह है ना। तो आज बनेगा मेरे यहाँ सोया चाप की सब्जी। तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले लाए हैं मॉल से, फिर इसको धुला जा रहा है। धुल के फिर इसको क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। फिर ये पानी चढ़ा दिया गर्म होने के लिए, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, नमक डालेंगे कि नहीं, थोड़ा सा नमक डालेंगे। अभी पानी गर्म होने वाला है, अब इसको इसमें डाल देंगे। उबालेंगे ना इसको, 2-3 मिनट बॉइल करेंगे। धीरे धीरे 5 मिनट लगेंगे ना, 2-3 मिनट हो जाएगा। जैसे बॉयल होगा इसे हटा दिया जाएगा। ये इसका लकड़ी निकालने के लिए ना बॉयल नहीं किया जाएगा, तो उसमें जो इस वो लगा हुआ है स्टिक लगी हुई है वो निकलेगी नहीं। अब इसको बंद करेंगे, ये हो गया जितना होना था। अब इसको पूरा निकाल लेते हैं। जल रहा है ना, तो हाथ ना जलाओ ना। अरे फिर ये ऐसे गोला गोला निकलेगा, लंबा नहीं कटेगा। अच्छा नहीं, अच्छा लव में निकाल दूँ ना, चाकू बहुत तेज है। कुछ आसानी से निकल जाते हैं, कुछ थोड़ी मेहनत लेते हैं। ये निकल गया, सभी डंडिया निकाल के बाहर कर दिए। अब इनको काटेंगे राउंड राउंड, काटने के लिए वाला चाकू ले लो चाहे। इस तरह से पीस में काट लेंगे। अब ये पूरा कट गया है, अब आगे इसकी रेसिपी दिखाते हैं। आएंगे मिलाने, अच्छा मैरिनेट करेंगे। इसके लिए चाहिए थोड़ा दही, थोड़ा दही हो गया, जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक का पेस्ट हो गया, थोड़ा दरदरा कूचा हुआ खड़ा है, इमाम दस्ते में, इसको इमाम दस्ता कहते हैं ना, मतलब हम लोग खल्ला मसल कहते हैं। हल्दी, अब इसमें मलाएंगे हल्दी थोड़ी सी। अब इसमें थोड़ा नमक मिलाएंगे, इसमें थोड़ा गरम मसाला मिलाएंगे, थोड़ी दही और डालेंगे, ये वाला मसाला भी डालना है नहीं, डाल के छोड़ देंगे। सब इसमें मैरिनेट करके मिला के, यानी सब लपेट के, अपनी भाषा में बोले तो कुछ देर के लिए रखा जाएगा, आधे घंटे के लिए इसको रख दिया जाएगा, ताकि अच्छे से अपने आप में अब्जर्व कर ले, मिला ले, सोख ले। अब इसका मसाला तैयार किया जा रहा है। प्याज कट गया है, लहसुन अदरक
टमाटर इस ये वो पीसा जाएगा ना, अदरक टमाटर लहसुन मिर्च प्याज नहीं पीसा जाएगा ना, ये तड़का दिया जाएगा। ओके ग्रेवी तैयार है, पीस गई। अभी जो पीसे हैं हम टमाटर अदरक लहसुन मिर्च और उसको डालो पानी, हल्दी अब इसमें हल्दी डालेंगे, फिर ये इसमें गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा, फिर इसमें घर का पिसा हुआ मसाला एक चम्मच डालेंगे, थोड़ा सा मिक्सर खोल के पानी डालेंगे। अब इसको भुनेंगे अच्छे से, तेल चढ़ा रखा हुआ है और ये सोया चाप को अब थोड़ा डीप फ्राई करेंगे। अभी देखिए अभी और अच्छे से फ्राई होना है थोड़ा, ये देखिए ब्राउन अच्छा सा हो गया है, ये खूब अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसको ग्रेवी में डालेंगे, ग्रेवी मेरी रेडी हो गई है। हाँ अब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, इसे खंगाल के डालूँ फ्लावर डाल दूँ क्योंकि मक्के की रोटी खानी है तो सोखेगा। अब इसमें नमक डालेंगे ना, ये खोलना, ये भी फ्राई हो गया है। इसमें इसको डाल देंगे, ये हमारा सोया चाप अब रेडी होने वाला है। अब डालेंगे इसमें धनिया, आंच को थोड़ा सा करेंगे धीमा और इसको थोड़ा ढक देंगे ताकि अच्छे से खूब सोख ले। बस एकदम आँच को शुरू कर देंगे, बिल्कुल यम्मी सी का टेस्टी सी खूब तैयार है। देखो तैयार हो गया ना, बन गया हमारा सोया चाप।